ठीक है बच्चों, हमारे दो तीन लेसन हो चुके, 9, 10, 11। आज फोर्थ लेसन पढ़ने वाले हम, जिसका नाम है संसार पुस्तक है। नोटबुक में काम नीट एंड क्लीन करो। कुछ बच्चे अभी भी है ना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, घर बैठे बैठे एक तो काम कर लो बढ़िया सा, राइटिंग तो सुधार लो कम से कम। तो आधी घंटे लगते हैं, एक पेज लिखो अच्छा अच्छा नीट एंड क्लीन, तो अब की बार अच्छा भेजना, वरना अगली बार है ना नंबर देख लेना। इस बार तो सबको दे दिए मैंने, पर अगली बार नहीं दूंगी फिर मैं। तो इस लेसन का नाम है संसार पुस्तक है। ये उस समय की बात है जब नेहरू जी इलाहाबाद में थे और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी मसूरी में रह रही थी। तो पत्रों के माध्यम से जो नेहरू जी थे ना, उनको जानकारी दिया करते थे इंदिरा जी को। तो वो ही चीज़ इस पूरे उसमें बताई गई है। वो उनको सारे संसार की जानकारी देते थे कि किस तरह से है ना भारत विश्व का एक छोटा सा हिस्सा है, यहाँ पर बहुत पूरे विश्व को अगर देखेंगे तो ये बहुत बड़ा है, बहुत सारे इसमें लोग, बहुत तरह तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। इस पाठ के माध्यम से ये सारा वो उनको बताते थे कि है ना, मतलब अगर पुस्तकें नहीं हों, पुस्तक नहीं हो तो फिर हमें ये सब जानकारी नहीं मिले, और पुस्तकों के माध्यम से ही हमारी नॉलेज और जानकारी बढ़ती है। तो आप देखते हैं इस लेसन में किस तरह से उन्होंने पत्र के माध्यम से इंदिरा जी को क्या बता रहे हैं वो। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। तो देखो वो क्या कह रहे हैं उनको, जब वो कह रहे हैं कि जब तुम मेरे पास रहती थी तो मुझसे सवाल पूछा करती थी और मैं तुम्हें उन सवालों के जवाब दे दिया करता था, परंतु अब तुम कहाँ रह रही हो, मसूरी में रह रही हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पत्र के माध्यम से तुम्हें मैं जानकारी देता रहूँ। तो वो देखो क्या कह रहे हैं उनसे कि जहाँ इंग्लैंड है ना, वो क्या है, एक छोटा सा टापू है, संसार का एक छोटा सा हिस्सा है, टापू है जिसमें लोग रहते हैं। और भारत एक विशाल देश है, बड़ा देश है, लेकिन वो भी दुनिया का एक हिस्सा ही है छोटा सा। अगर तुम्हें दुनिया के बारे में जानना है या जानने का शौक रखते हो तो हमारे देश से और इंग्लैंड से हटकर भी हमें और जानना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस देश में पैदा हुए हैं खाली उसकी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं तो वो जानकारी पूर्ण नहीं है। उस संसार की और जानकारी और अच्छी जानकारी हमें लेने के लिए और भी हमें जानना पड़ेगा। संसार के कोने कोने में जो जातियां बसी हुई हैं उनके बारे में हमें जानना पड़ेगा, तब हमारी जानकारी और ज़्यादा बढ़ेगी। और किसके माध्यम से संभव है, पुस्तकों के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि मैं तो पत्रों के माध्यम से बस छोटी छोटी सी जानकारी आपको दे पाता हूँ, लेकिन सही जानकारी के लिए आपको पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है, आबाद मतलब इस रहते हैं, इसके अंदर बसे हुए हैं, हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। वो कह रहे हैं कि है ना, अभी तो क्या मैं ये छोटा छोटा लिख के भेजता हूँ पत्रों के माध्यम से, पर है ना इनसे भी तुम्हें जानकारी ही
मिलेगी, लेकिन जब तुम बड़ी हो जाओगी, कॉलेज में आ जाओगी और यूनिवर्सिटी में आ जाओगी, तो क्या मोटी मोटी किताबों से तुम्हें ये जानकारी मिलेगी और तुम्हारी जानकारी और बढ़ेगी। किसके बारे में? संसार के बारे में। ये तो तुम जानती ही हो कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। सबको पता है, पहले लेसन में पढ़ चुके हैं कि धरती इतनी जल्दी कहना थोड़े से समय में डेवलप हो गई नहीं, उसको बनने में, उसको विकसित होने में करोड़ों साल लगे हैं। और बहुत समय तक तो यहाँ पर कोई आदमी नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ कौन थे? जानवर थे। और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ नहीं थी, यानी जिसके अंदर जीवन हो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। आज जब ये दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा कि आदमियों से पहले, जानवरों से पहले। आज तो देखते हो आप कितने तरह के जानवर होंगे कि याद रखना भी मुश्किल होता है, और कितने तरह के आदमी हैं अब मुश्किल है याद करना। क्योंकि आप जाओगे, चाइनीज़ अलग तरह के होते हैं, जापानीज़ अलग तरह के होते हैं, हम हिंदुस्तानी अलग तरह के, इंग्लैंड जैसे जाओगे वहाँ अलग तरह के होते हैं। तो अब तो भरी पड़ी है वैरायटियों से, अलग तरह तरह के लोगों से, तरह तरह के जानवरों से। लेकिन उससे पहले ना तो जानवर थे, जो जानवर थे पहले या मनुष्य थे, उनके बारे में हम कैसे पता करते हैं? हमें तो पता नहीं है। लेकिन वो जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किए? खोज किए। क्या निकलते हैं? अवशेष निकलते हैं। साइंस में भी पढ़ा होगा आपने कि उनकी हड्डियाँ जब वो मर गए या कंपोस्ट हो गए, दब गए उसमें मिट्टी में, तो फिर जब खुदाई करते हैं वहाँ, या हमें खुदाई करते समय वो कोई उन हड्डियों का अवशेष मिल जाता है या कोई चीज़ मिल जाती है, तो हम उससे जानकारी प्राप्त करते हैं कि है ना ये कितनी पुरानी है। तो जब हमको ये पता चलता है कि इतने सालों पुरानी है, तो हमको इतना तो पता चल ही जाता है कि इतने साल पहले भी जानवर या इंसान थे पृथ्वी पर। तो ये हमको उनके माध्यम से प्राप्त होती है, इनको जीवाश्म कहते हैं, है ना। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता? अब ये भी एक सवाल है बड़ा कि जब आदमी नहीं था तो उस जमाने की किताबें किसने लिखी? तो ये एक बड़ा सवाल है ना। चलो इसको देखते हैं। तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? ये तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। भाई इतना तो नहीं है कि हम घर बैठे बैठे सारी चीज़ें सोच लें कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ है, या ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ है, ऐसे तो नहीं सोच सकते। ये बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो हम सुंदर सुंदर कहानियाँ बना लेते, और जैसे परियों की कहानियाँ सुनते हैं हम दादी माँ से या नानी माँ से, तो वैसी ही कहानियाँ हम आपस में एक दूसरे को सुनाया करते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। जैसे देखो, ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम पुराने ज़माने के बारे में पता लगा सकते हैं। इनका रिसर्च करते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि कितने साल पुराने हैं, तो उन्हीं से हमें पता चल जाता है कि उतने समय पहले ये चीज़ें रही होंगी पृथ्वी पर, जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें ही पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें, यानी खुद भी समझें। खुद खाली किताबों से काम नहीं चलेगा,
कुछ अनुभव और आसपास की चीज़ों को देखें, जानें, समझें और उनके माध्यम से पता करें कि पृथ्वी पर क्या क्या रहा होगा। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा, रोड़ा यानी टुकड़ा, जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, यानी उस रोड़े के बारे में, छोटे से टुकड़े के बारे में भी किसी पुस्तक में लिखा हो, जानकारी दी हुई हो, और शायद वो किसी पुस्तक का हिस्सा रहा हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे क्या आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। अगर इसीलिए पढ़ना लिखना ज़रूरी, अगर पढ़ना नहीं आएगा तो फिर वो पुस्तकें आपके लिए क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी रख दो आपके सामने, आप तो समझ नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, तो वो आपके लिए बेकार है। कोई जबान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने पड़ते हैं। उसी तरह देखो, तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो, यानी अभी भी क्या, थोड़ा थोड़ा पढ़ पाती हो, और ज़्यादा पढ़ने के लिए ज़्यादा सीखना पड़ेगा, ज़्यादा जानना पड़ेगा। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता, ये कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे कोने क्या हुए। जानते ना, ऐसे गोल गोल पत्थर मिलते तो मन में एक ऐसे जिज्ञासा जागती है ना, कि अरे ये गोल कैसे हो गया, पत्थर तो नुकीले होते हैं, वो धारियाँ बनी होती हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल गोल मटोल है और शाइन भी कर रहा है, चमक भी रहा है, तो ये हमारे मन में क्या, उसको देखकर जिज्ञासा उत्पन्न होती है और हम जानने की इच्छा होती है। वो क्या होते हैं कि कहते नहीं है, रगड़ खा के आदमी धक्के खा के और अपने अनुभवों से सीख जाता है, वैसे ही वो क्या होते, रगड़ खाते रहते, रगड़ते रहते, एक दूसरे से रगड़ खा के वो शाइन भी करने लगते हैं और गोल भी हो जाते हैं। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने, तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय, जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, यानी क्या था, चट्टान का टुकड़ा ही रहेगा। फिर ये रोड़ा चांद का ठीक उसी टुकड़े की तरह, उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो, यानी वो भी कैसा रहा होगा, खुरदरा रहा होगा, एक समय चट्टान का टुकड़ा रहा होगा, शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा और कुछ समय क्या टूट गया और गिरकर क्या वहीं पहाड़ के पास पड़ा रहा। तब पानी आया और फिर क्या हुआ, तेज बहाव के साथ पानी आया और उसे भागकर कहाँ तक ले आया, छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेलकर उसे छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। देखो उसका सफ़र बता रहे किस तरह से उसमें परिवर्तन आया, पहले चट्टान से टूटा, पहाड़ों के पास पड़ा रहा, फिर पानी का बहाव आया तो वो एक घाटी में पहुंच गया, घाटी की जो दरिया थी उसने उसको दरिया में पहुंचा दिया, सॉरी घाटी ने उसको दरिया में पहुंचा दिया, और वो क्या उसके पैंदे में दरिया में लुढ़कता रहा, मतलब बड़ा सा नाला होता है उसके बीच में, वो क्या रगड़ता रहा, ऐसे ही यहाँ से वहाँ क्या हुआ, वो लुढ़कता रहा, उसके किनारे क्या हो गए, घिस गए, और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया, यानी ऐसी कोई वजह रही होगी, दरिया से वो अब और नहीं संभाला गया तो दरिया ने उसे छोड़ दिया। ये देखो कितना सुंदर सा डायग्राम भी बना हुआ है। तो और किसे मिल गया, वो तुम्हें मिल गया। अगर दरिया उसे और आगे ले जाती तो वो और छोटा हो जाता, अंतिम में क्या हो जाता, अगर दरिया उसे बाहर लिए जाती, आगे लिए जाती, तो वो रगड़ रगड़ के क्या होता, छोटा ही होता रहता, और इतना छोटा आ जाता कि अंत में वो एक बालू का कण बन जाता।
और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। नदियाँ कहाँ गिरती हैं? लास्ट में समुद्र में गिरती हैं ना, तो वो कहाँ चला जाता? समुद्र के किनारे चला जाता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है। यानी वो भी अपने जो और बालू होती वहाँ उनके साथ में वो मिक्स हो जाता और एक किनारे में शामिल हो जाता, जिस पर छोटे छोटे क्या बच्चे खेलते और बालू के घरोंदे, मतलब मकान नहीं बनाते मिट्टी में, वो घरोंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। ये किसने लिखा है? अंग्रेजी से अनुवाद किया गया है जो प्रेमचंद ने लिखा था, फिर नेहरू जी ने इसका ट्रांसलेशन किया था। इस तरह से देखो कितनी सुंदर बात उन्होंने। अब नेहरू जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सब जानते हैं नेहरू जी क्या प्रथम प्रधानमंत्री थे इंडिया के, और 14 नवंबर जो हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, उस दिन क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। बच्चों से ये बहुत लगाव रखते थे, इसीलिए इनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती। उनकी चिट्ठियों का संग्रह है, अभी भी रखा हुआ है। उन्हीं चिट्ठियों से किताबें लिखी गई हैं। ये जो लेख आते हैं वही चिट्ठियाँ हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम, देखो पुस्तक में सारे समाहित है, रखे हुए हैं उसमें, अच्छे से रखे हुए हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। यानी ये जो स्टोरी हमने पढ़ी है, वो बीच में बोला ना मैंने कि नेहरू जी ने नहीं, मुंशी प्रेमचंद ने नेहरू जी की जो ये लेख हैं, जो पत्र हैं, उनको पुस्तक के रूप में कायमे हिंदी में अनुवाद करके ढाला है या लिखा है, जिनको अब हम पढ़ते हैं और जिनसे हमें क्या जानकारियाँ प्राप्त होती है उस समय की। ठीक है बच्चों, अब मैं इस लेसन हमारा फिनिश हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर, लेकिन कॉपी में अच्छे से करना, साफ नीट एंड क्लीन, और एक ही पेज पे मत लिखो। एक चीज़ मैं जैसे भेजती हूँ पेज वाइज वैसे ही करो अच्छे अच्छे से, और है ना क्वेश्चन दूसरा लिखने गैप भी रखो बच्चों। कुछ बच्चे तो एक ही पेज पे इकट्ठा एक साथ कर देते हैं एग्ज़ाम, ये आंसर शीट पे भी कुछ बच्चों ने ऐसा किया, ऐसा मत करो। ठीक है बच्चों, ओके बाय।